अब ये रोड है जो कि संगम जा रही है। लोकेशन बता देते हैं, सिविल लाइन बस अड्डा है मेरे पीछे, जैसे बसें ज़्यादा आप देख रहे हैं आते जाते, तो मेरे पीछे वो चौराहा है, वहाँ पे सिविल लाइन बस अड्डा है। अब यहाँ से संगम कितनी दूर है गिन के तकरीबन 5 किलोमीटर के आसपास होगा, अगर मैं टोटल किलोमीटर मेरी गाड़ी में आप देख पा रहे हो, मैं आपको दिखा देते हो। ट्रिप वन में हुआ 86 किलोमीटर है, 86.8, तो ये अभी कितना होने वाला है आगे चल के पता चलेगा। 86 आप लेके चलो, हमने गाड़ी स्टार्ट कर ली है, अब चलते हैं। ये रोड है जो कि जा रहा है, अब चलते हैं, देखते हैं टोटल किलोमीटर कितना आता है। ये व्यू है, आई होप कि सारी चीज़ अच्छी रहे। तो ये आ गए हैं हम कॉलेज के पास सामने। हाँ, सामने ये लोकेशन है जो कि संगम की तरफ जा रहा है, ऊपर बोर्ड लगा है, अब हम उस तरफ चल रहे हैं। ये सारी बसें जो जा रही सिटी सर्विसेज वगैरह वाली, अब यहाँ ये सारी बस पकड़ करके कुछ भी ऐसा साधन जो संगम तरफ जा रहा है अभी इधर आ सकते हैं आप, उसी एरिया में मेन आपको उतार दिया जाएगा संगम के पास से। पर यह कि मेन रोड से थोड़ा दूरी ज़्यादा है उसकी, बाय वॉक आपको काफ़ी लंबा चलना पड़ सकता है। बोलते बोलते आ गया यार। खैर, तो ये है मेन रोड, यहाँ पर आपको कोई भी सवारी वगैरह, कोई भी ऑटो ऑटो, कोई भी गाड़ी जिससे आप आते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट से, वो आपको यहाँ उतार देगी। पर आपको यहाँ से कितना अंदर जाना है मैं आपको वो दिखा देता हूँ, बाय रोड, रोड ही है पर अंदर जाना पड़ेगा, तो वहाँ पे लेके चलता हूँ आप, जिसको देखते रहिएगा। मैं आपको पानी तक पूरा लेके चलूँगा, जहाँ पे लोग नहाते हैं वहाँ तक दिखाऊंगा आपको सारा नज़ारा। सिग्नल खुल गया है और चल सकते हैं। तो राइट साइड की जितनी भी रोडें हैं सारी उधर ही जा रही हैं, तो हमें यहीं से मुड़ना है। अब ये हो गया है स्टार्ट, क्योंकि माघ मेला लगा है तो थोड़ा छोटे लेवल पे लगा है, पर ये आप देख लीजिए यहाँ से, यहाँ पर आपको गाड़ियाँ जो है जो अंदर कम देखने को मिलेंगी, जो पर्सनल गाड़ियों वाले हैं वही आपको ज़्यादा दिखेंगे अब। और ये पूरा मेले का क्षेत्र है, चारों तरफ जो लाइटें वगैरह देख रही टेम्परेरी होती हैं, ये मेले के लिए बस लगाई जाती हैं और उसके बाद ये हटा ली जाती हैं, क्योंकि पानी का काफ़ी सीन होता है यहाँ पे, कोई लिमिट नहीं होता, काफ़ी ज़्यादा पानी आ जाता है। दोनों तरफ लाइटें हैं, तैयारी जोरों शोरों से अभी चल रही है, अभी कंप्लीट भी नहीं हुआ है। बड़े बड़े पंडाल और शॉपिंग के लिए दुकानें, हर तरह की व्यवस्था होती है यहाँ पर। तो अभी मैं आपको आगे लेके चलता हूँ, इतना आपको अंदर जाना है। तो ये रोड से अभी हम अंदर की तरफ जा रहे हैं, हमको चलते जाना है, चलते जाना है, चलते जाना है। एक जो बीमारी चल रही है उसका मैं नाम नहीं लेने देता, उसके वजह से मेला काफी ठंडा सा लग रहा है आपको, पर दिन में यहाँ पे रौनक रहती है, रात में भी रहती है, पर अभी थोड़ा सा सन्नाटा है। बाकी आप आगे चीजें देखेंगे। आपको पानी के पास पूरा और तंबू वगैरह, जो कि हनुमान मंदिर से फेमस है, हनुमान मंदिर की तरफ का व्यू भी सारी चीजें दिखाने वाला है इसमें। इस तरफ जो रोड जा रही है राइट साइड में, ये हनुमान मंदिर वाली, इस तरफ से हम वापस आएंगे। अभी मैं आपको इधर से सीधा लेके चलता हूँ, इधर से आपको सीधा पानी का नज़ारा मिलेगा। मेला थोड़ा सा ठंडा हो रखा है इस बार, पर अच्छा है, ओवरऑल यहाँ पर आकर के एक्सपीरियंस कर सकते हैं। टेम्परेरी होटल्स वगैरह बनाए जाते हैं, आप पंडाल ले सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करा करके सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ से जो आपको व्यू देखने को मिलेगा वो बहुत ही प्यारा होने वाला है। ये है मेले का व्यू सामने, यहाँ पर जो चौकोर सी लाइटें दिख रही हैं, यहाँ पर होती है गंगा आरती। ये दोनों साइड देख लीजिए, ये
ये शाम का व्यू है, लाइटें इतनी ज़्यादा दिख रही होंगी आपको। और ये भी मंदिर है, नौकरा मंदिर बोलते हैं यहाँ पर, रिजर्व पुलिस बल। यहाँ पर एक चाय की दुकान थी, वहाँ चाय पी लेते फिर आगे चलते हैं, रिजर्व पुलिस मेला लाइन। चलिए यहाँ पर मैं कुछ दिन पहले मेरे चाय पी थी, कल या परसों आए थे हम, उनमें चाय पीते थे, यहाँ पर चाय पियेंगे और अंकल जी के यहाँ फिर आगे चलेंगे। अंकल जी देख के मुस्कुरा दिए हैं, पहचान लिए ने कहा। अंकल जी क्या हाल है, चाय पिला दीजिए। तो ये जो चौकोर चौकोर सी लाइटें दिख रही हैं, जैसे मैं देख पा रहा हूँ, आप भी देख पा रहे होंगे, यहाँ पर होती है गंगा आरती मेन, उसके अलावा पूरा मेले का क्षेत्र है, यहाँ पे पुलिस बल सारी तैनात है। ये सीन देख लीजिए, चाय की दुकान है, अंकल देखिए ये चाय अच्छी बनाते हैं। और ये मेरी गाड़ी, अब मैं चाय पी लेता हूँ फिर उसके बाद आगे चलते हैं। तो चाय पी ली है हमने, अब हम चल रहे हैं आगे की तरफ। यहाँ पर अलग अलग सेक्टर्स में डिवाइड कर दिया जाता है इसको, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ संगम वापसी मार्ग। तो संगम इस तरफ है, और रिटर्न जाने के लिए, जो कि मैंने हनुमान मंदिर की तरफ का कुछ भी बताया, तो एक मंदिर इस तरफ मेरे सामने पड़ेगा, हनुमान मंदिर, जो कि बहुत मेन है, नहाने के बाद लोग यहाँ पर आते ही आते हैं। तो अभी मैं आपको आगे लेके चलता हूँ, जो नाइट में देखने का व्यू है वो सारी चीज़ दिखाता हूँ। परसों यहाँ का नहान है खिचड़ी हरी, अभी मैं आपको पानी की तरफ लेके चलता हूँ कुछ उधर का व्यू दिखाने के लिए। उस तरफ पानी की तरफ, इस तरफ से ही चलते हैं। सामने पानी का व्यू कुछ आ रहा होगा, बहुत सुंदर सा नजारा आप यहां से देख लो। वो लेफ्ट साइड में ब्रिज है, उसके ऊपर से और ज्यादा तगड़ा नजारा आता है। यहाँ से गाड़ियाँ आ रही, पार्टून पुल बनाए गए हैं। अभी मैं आपको संगम तरफ लेके चलता हूँ, जहाँ पर लोग नहाते हैं। ये जो वन बाय वन में चीजें बता दो, ये जो लाइट के रॉड्स लगे हुए हैं चारों तरफ, जो लाइटें देख रहे हैं, ये सिर्फ मेले भर के लिए है, टेम्पररी होता है। ये पूरी रॉड लगाई जाती है यहाँ पर, इतनी लाइटें लगाई जाती हैं, जो कि सिर्फ दो महीने के लिए होता है मैक्सिमम। ये चलेगा शिवरात्रि तक, उसके बाद ये चीज़ें खत्म होने लगती हैं। तो जैसी चीज़ें खत्म होती है, सारी हटाई जाने लगती है चीज़ें, खंभे और लाइट्स के जो तार वगैरह है, सारी चीज़ें ये हटा दी जाती है, यहाँ से बिल्कुल खाली हो जाता है। ये पानी का इस तरफ का व्यू है, सब कुछ बिल्कुल यहाँ से खत्म हो जाता है, ये कुछ भी नहीं होता। दूसरी चीज़, एक तो ये लाइट की चीज़ें होंगे, और ये नीचे जिस पर हम गाड़ी चला रहे हैं, ये आप लोहे की जो पटरियाँ देख रहे हैं ढेर सारी, जिसकी 5-6 लेयर लगी हुई है यहाँ पे लाइन से, इनमें क्या होता है, ये भी टेम्परेरी बिछाई जाती है, और जैसे ही मेला खत्म होता है हटा दी जाती है, क्योंकि जो वाटर का लेवल है यहाँ पर, ये आप देख लीजिए तंबू वगैरह कितने सारे, जो वाटर का लेवल है यहाँ पे फिक्स नहीं है, तो पानी बहुत ज्यादा दूर तक आ जाता है। ये अभी मैं संगम की तरफ जा रहा हूँ ना, मैं आपको दिखाता हूँ ये पानी कहाँ तक आता है, आज ये पानी अभी कहाँ है, और अगस्त वगैरह के दिनों में ये पानी कहाँ पर हो जाता है। अब इस वीडियो में बने रहिएगा, मैं आपको लास्ट में जरूर दिखा दूंगा कि पानी कहाँ तक हो जाता है, मुझे वापस जाने पड़ेगा, इतना ज्यादा पानी हो जाता है, तो उसमें भी वीडियो बना दूंगा। अभी के लिए मैं आपको नहाने वाला उस जगह पर लेके चलता हूँ। ये अलग अलग रास्ते, अलग अलग सेक्टर्स, इसको कलावास बोलते हैं, जो लोग यहाँ आकर के तंबू में रहने लग जाते हैं, इसको कलावास बोला जाता है, कि आप कलावास कर रहे हैं 1 महीने का 2 महीने का। यहाँ पर आपको अपने रिकॉर्ड्स वगैरह डिटेल सबमिट करके इसका जो प्रोसेस होता है वो फॉलो करें, फिर उसके बाद एक जगह मिल जाती है आपको कि किसके तंबू में आप रहना चाहते हैं। तो वहाँ लाइट का क्या सीन होता है, लाइटें वगैरह तो रहती हैं सारी, तो चीज़ें अच्छी हैं। और आगे आप देखते रहिए, पानी वाला मैं ज़रूर आपको बताऊंगा कि पानी कहाँ तक आ जाता है। अभी जिस जगह पे हम चल रहे हैं ये सारी चीज़ें डूब जाती हैं बिल्कुल पानी में, इतनी दूर से मैं चला आ रहा हूँ ना, रिटर्न में आपको बताऊंगा पानी कितना ज़्यादा बढ़ जाता है, इसलिए ये सारी चीज़ें यहाँ से हटानी पड़ जाती हैं पहले ही, क्योंकि हमें तो पता है यार कि पानी का कोई फिक्स ही नहीं यहाँ पर। हम जा रहे हैं संगम की तरफ,
जिसको त्रिवेणी संगम एक्चुअल में बोलते हैं, लोग वहीं पर जाते हैं। संगम वाला कहाँ है? संगम नहाने वाला जो मेन वाला है, संगम वाला पैदल जाना पड़ेगा, पैदल जाना पड़ेगा। चले जा रहे हैं जी सर, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, थोड़ा दिखा रहे हैं लोगों को। बात कर ले, हटा दीजिए उसको, किनारे करके बात कर लेता, हटा दीजिए। पैदल जाने में काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो हमें जाने नहीं दिया गया है। बोल रहे हैं कि गाड़ियाँ जाना अलाउड नहीं है, अभी निकलना वहाँ से अलाउड है। तो ये कह रहे हैं कि दरोगा जी से बात करना है, उनसे बात कर लेते हैं, चल के नीचे देखना पड़ेगा, क्योंकि संगम का जो एरिया है ये अभी भी दूर है। इतनी दूर से बताता चला रहा हूँ आपसे। कौन से वाले आएगा, कौन से वाले हैं? हाँ दरोगा जी कहाँ है, कह रहे हैं कि जाने नहीं देंगे। सर वो परमिशन आपसे लेनी होगी आगे जाने के लिए। सर वीडियोस बनाते हैं तो अभी नहीं, यहाँ पे बना नहीं रहे ऐसे। अब ये कह रहे कि मतलब रास्ता जैसे एक बना के डस्टबिन डालेंगे, रास्ता दिखाते हुए स्टेशन से आए हम, तो ना मेन संगम का वहाँ पे नहाने वाला है, संगम वाला है नहीं इधर उधर कहीं, तो ना बस गाड़ी अगर जाने देते तो ठीक है, वरना तो पैदल जा सकते वहाँ, वो जगह दिखाना था हमको। गाड़ी नहीं, अच्छा तो अच्छा यहाँ से दिखा के फिर बंद कर देंगे कह रहे हैं। अच्छा जी 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 जी, नहीं वो तो ठीक है, इसीलिए रात में आए कि दिन में लोग रहते हैं। अच्छा अच्छा जी जी जी, ठीक है फिर हम यहीं से दिखाएंगे, इसको बंद कर देते हैं। अच्छा अच्छा ठीक, तो फोटोज वगैरह का अगर कोई सीन करना हो सर तो किधर करेंगे, कुछ आप बता सकते हैं? मतलब यहाँ से हट करके अगर करना है उस साइड या उस साइड। अच्छा अच्छा नहीं समझ गया समझ, ठीक है इमरान इसको बंद कर, इमरान इसको बंद करो सर। हाँ जी गाइस, तो हम आ गए हैं, ये संगम है मेन, ये एरिया है। इतनी दूर बाइक चला के आने के बाद आप यहाँ पर आकर के नहाते हैं, लोग यहाँ पर नहा रहे होते हैं। अभी देखिए रात हो गई है, तो ये अलग सा हिस्सा कुछ बनाया जाता है, मैं आपको धीरे धीरे पास लेकर के चीज़ें दिखाता हूँ पास चल करके। और ये पूरा एरिया जो नहाने वाले, यहाँ पे अभी भी काम चल रहा है, बहुत सारे पक्षी जो बाहर के आते हैं, साइबेरियन जिनको बोलते हैं वो भी हैं, तो सारी चीज़ें मैं आपको धीरे धीरे अब दिखा देता हूँ। पर यहाँ पर गाइस मैं आपको बता देता हूँ, अभी के लिए तो क्योंकि लोग नहा वगैरह नहीं रहे हैं और अभी मेला स्टार्ट नहीं हुआ है, तो मैं वीडियो बना ले रहा हूँ, पर जब मेला स्टार्ट हो जाता है तो आपको वीडियोज़ अलाउड नहीं होती हैं यहाँ पर, इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखें। ये नहाने की जगह बनाई गई है यहाँ पर, ये टेम्परेरी, आप इसके अंदर जा करके ये जहाँ पर ये पीला पीला है ना, इसके पहले ही आपको नहा करके यहाँ से निकलना है। पानी काटा गया है बिल्कुल साफ सा, कितना साफ सा बनाया गया है ये देख लीजिए, तो सब कुछ बहुत बढ़िया है। साइबेरियन पक्षी है जो कि आप पानी में देख पा रहे होंगे, मैं थोड़ा जूम करता हूँ। ये उस साइड जो लाइट आप देख पा रहे हैं, ये सारी जो लाइटें उस तरफ चल रही हैं, ये उस साइड भी मेला लगता है, उसको अरायल का हिस्सा बोला जाता है। जैसे आप मुंबई वगैरह से आते हैं तो आपको छिउकी रेलवे स्टेशन उतरना होता है, तो छिउकी साइड में पहले आपको वो हिस्सा पड़ेगा उस तरफ, मेन संगम नहीं पड़ेगा, मेन संगम इस तरफ। तो ये जो बोर्ड जहाँ तक ये लगा हुआ है पीला वाला, इसके पहले पहले आपको यहाँ पर ही नहाना है, काम भर के यहाँ पर गहराई भी होगी मेरे ख्याल से, कमर तक हो गई पानी इसके अंदर। और ये बनाया जाता है स्पेशली नहाने के लिए, ये संगम का मेन जगह है। बोट वाले आपको बोलेंगे कि हम संगम में ले चल के नहाते हैं, थोड़ा आगे उधर जा कर के संगम पड़ता है। तो अगेन मैं व्यू दिखा देता हूँ, आइए
चाय पियो, चाय चाय या। ये पूरा मेले का क्षेत्र है, ये संगम की लोकेशन है जहाँ पे लोग नहाते हैं। तो आई होप मैं सारी चीज़ें आपको दिखा पाया हूँ इस वीडियो। मैंने रास्ता दिखाया है, सिविल लाइन्स के साइड बस अड्डे से आप यहाँ पर किस तरह से आ सकते हैं वो सारी चीज़ें दिखाई है। और रोड पे आपको नहीं उतरना है, कोशिश करना है कि जितना आगे आ सकता है आपको पर्सनल कन्वेंस या शेयरिंग ऑटो जो आप लेकर के आते हैं। बाइक मैंने थोड़ी दूर पहले ही लगाई अभी मेरे सामने, तो यहाँ तक आपको आना है। इसकी तकरीबन दूरी रोड से 3 किलोमीटर के आसपास की है। 3 किलोमीटर बहुत ज़्यादा होता है मेरे हिसाब से, और ये इक्वल रोड भी नहीं है, बिल्कुल प्लेन सी की आप एकदम आराम से चलेंगे। थोड़ा उबड़ खबड़ ऐसा है जैसा आप देख सकते हैं। तो तैयारी हो चुकी है, जैसा आप एक बार दिखा दीजिए, यहाँ पर पक्षी उड़ रहे बहुत सुंदर से। तो ये यहाँ का व्यू है। आगे के लिए मैं आपको यहाँ से लेकर चलता हूँ, हनुमान मंदिर हमारा बच रहा है अभी रात के हिसाब से। अकबर का किला भी है, किले की बाउंड्री वगैरह थोड़ी दिख जाएगी, उसके अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, आप वहाँ जा सकते हैं नॉर्मल दिनों, वहाँ कैमरा यूज़ ना करें। और एक चीज़ और बता देता हूँ, परसों से यहाँ पे मेला स्टार्ट हो जाएगा, आज 12 तारीख है, 14 तारीख से जैसे मेला स्टार्ट होता है तो आप बिल्कुल भी कैमरा यहाँ पर यूज़ ना करें, वीडियोग्राफी तो बिल्कुल ना करें। और इस प्रशासन की सख्त यहाँ पर आदेश है कि आप यहाँ पर वीडियोस वगैरह नहीं बना सकते हैं मेले के दौरान। तो अभी तो टाइम है, मैं बना ले रहा हूँ, अभी लोग भी नहीं है जैसा आप देख सकते हैं आस पास में, अभी लोग नहा वगैरह भी नहीं रहे हैं और वो चीज़ें नहीं हैं। तो अभी मैंने चीज़ें कवर कर ली है, अब मैं आपको हनुमान मंदिर तक लेके चलता हूँ। आई होप कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो नेक्स्ट डे मैं आपको वीडियो जो दिखाऊंगा, आप छिवकी रेलवे स्टेशन मेरे पीछे जैसे गंगा जी के उस पार वहाँ पर लाइटें जल रही हैं, तो मुंबई से आने वाली गाड़ियाँ, जो मुंबई से आने वाले लोग ट्रेन से आते हैं, तो छिवकी रेलवे स्टेशन से आपको संगम की तरफ आना होता है। पहले आप वहाँ से ऑटो करते हैं तो एक साइड उतार दिया जाता है गंगा जी के उस पार, फिर आपको वहाँ से ऑटो करके संगम की साइड यहाँ पर आना होता है। तो वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दूंगा। एक नंबर प्लेटफॉर्म से रेलवे स्टेशन से प्रयागराज जंक्शन से यहाँ पर कैसे आ जा सकता है वो सारी चीज़ें। तो अभी के लिए चलिए, थैंक यू सो मच, आई होप कि आपको वीडियो बस अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, थैंक यू। संगम नहाने के बाद जो जाने वाली जगह है, जो कि हर किसी को जानी है और आपको भी जानी है, वो है हनुमान मंदिर। वहाँ पानी के पास से अभी मैं गाड़ी चला के लेके आ रहा हूँ, तो ये अब आपको मैं हनुमान मंदिर के आसपास लेके चलता हूँ, हनुमान मंदिर को सामने ही लेके चलता हूँ। वो आपको दर्शन करने के बाद किला घूम सकते हैं जो कि बगल में ही है। बिल्कुल सामने ये जो वॉल दिख रही है, बिल्कुल सामने ये है किले की दीवार अक्षरहट। इसके लिए आप गूगल पे पढ़ भी सकते हैं, जो कि बहुत ही पुराना वृक्ष है, इसके लिए इसी किले के अंदर है वो बहुत बड़ी सी दीवार है, यहाँ पर लाइटिंग लगी हुई है और ये अगल बगल में लोग रह रहे हैं जो कि कलावास करने आए हैं, जैसे मैंने आपको बताया। तो ये किले की दीवार है। अभी मैं आपको हनुमान किला थोड़ा नज़दीक से दिखा देता हूँ, चलिए। किला बहुत ही बड़ा है, राइट साइड में उतना बड़ा, लोग रहना चालू कर दिए हैं जैसे मैं देख पा रहा हूँ, कुछ कुछ जगहों पे लोग रह भी रहे हैं। तो अभी मैं हनुमान मंदिर की तरफ लेके चलता हूँ, इस तरफ मंदिर है और ये रास्ता है, ये किले का हिस्सा है। इसका एंट्री पीछे से है, पर यहाँ पे बिल्कुल भी आपको कैमरा यूज नहीं करना है। अब पानी के पास से अभी मैं मुश्किल से 1 से 1.5 किलोमीटर आगे आया हूँगा, यहाँ पर यह है, ये आपका हनुमान मंदिर किले से बिल्कुल सटा हुआ। ये है हनुमान मंदिर का एंट्रेंस, यहाँ पर बाइक नहीं ले जा सकता मैं, पर ये है मंदिर। ये एक साइड का व्यू है यहाँ का, और मैं आपको अब दूसरे साइड से इसका व्यू दिखाते हैं। एक अभी इस तरफ से जा सकते हैं, एक दूसरे तरफ से भी जा सकते हैं, इसके सामने वाले हिस्से से उधर आगे लेके चलता हूँ। ये आगे का हिस्सा है। अभी हो गए हैं रात के 9 बज रहे हैं ऑलमोस्ट, इसलिए थोड़ा सा लोग आपको कम दिख रहे होंगे यहाँ पर, यहाँ भीड़ रहती है। ये गेट है इसका मेन एंट्रेंस का, श्री बड़े हनुमान जी मंदिर। किसी भी तरह की कोई ऐसी चीज़ जो आपके पास एक्स्ट्रा हो रखी है, चाहे वो खाने पीने की हो, चाहे वो आपके कपड़े वगैरह हो, किसी भी तरह का कोई पहनने ओढ़ने की चीज़, तो आप यहाँ पर ला करके इन लोगों को दे सकते हैं। ये जो आप चारों तरफ ये लोग देख रहे हैं पीछे की साइड में, आप इनको दे सकते हैं कुछ भी ऐसी चीज़ जो आपके पास एक्स्ट्रा हो गई है। ये वही जगह है जहाँ पर नरेंद्र गिरी महाराज जी का सीन हुआ था, यही प्रयागराज, यही मंदिर है वो। अभी मैं आपको
लेके चलता हूँ वापस। तो गाइस ये देखो आप सामने बोर्ड लगा है, इस बोर्ड में देख लो इलाहाबाद रेलवे स्टेशन 6.5 किलोमीटर, उसके बाद बस स्टैंड सिविल लाइन 4 किलोमीटर, जहाँ से मैं लेके आया हूँ बस स्टैंड जीरो रोड दूसरा बस स्टैंड है, बस स्टैंड सिविल लाइन से मैं आपको लेके आया हूँ। तो अभी ये निकलने का है, ये रोड है जो कि मैंने आपको बताया था कि अभी इस तरफ से एंट्री करेंगे तो हनुमान मंदिर पे आएंगे। अभी मैंने आपको सारी चीज़ें दिखा दिया, आई होप कि हर चीज़ आपको, सारी चीज़ें आपकी यूज़ की होंगी और आपको पसंद आई होंगी। ऑलराइट गाइस, ये वही जगह है सामने मेरे जो मैंने आपको बताया था, राइट साइड अगर आप जाते हैं हनुमान मंदिर की तरफ जाएंगे। मंदिर दिखा दिया, संगम दिखा दिया, रास्ता दिखा दिया, सिविल लाइन बस अड्डे से किस तरह यहाँ तक आना है, कितना कन्वेंस देना है, पानी से कितनी दूर है, मेन रोड पर नहीं उतरना है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको कवर करके दिखा दी है। मेला अभी चालू होने में 2 दिन है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अभी के लिए मैं आप वीडियो को ख़त्म कर रहा हूँ यहीं पर। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, बाय। अब रोको इमरान।